नमस्कार अम्बरीजनों, आप देख रहे हैं सूडी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीओटीपीसी आंसर की आने के बाद लगातार हम लोग बीएचयू और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के अनऑफिशियल कट ऑफ एनालिसिस वीडियो ले आ रहे हैं। अभी लगभग मैं 5-6 कोर्सेज का वीडियो दे चुका हूँ। AISC है, इंग्लिश है, हिंदी और बहुत सारे इकोनॉमिक्स वगैरह का, आप जाके होम पेज पे बीएचयू पाठशाला चैनल के देख सकते हो। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, बहुत सारे बच्चों के कॉमेंट आए थे बीएड ह्यूमैनिटीज मैथ्स एंड लैंग्वेज, तो ये तीनों का मैं एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो जो बच्चे भी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग होते हैं, और एक बैड न्यूज ये है कि इन लोगों के लिए वीडियो यूट्यूब पे होता नहीं है, बहुत कम लोग वीडियो बनाते हैं। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस किया था हर एक कॉमेंट के बेसिस पे वीडियो बनाऊंगा। जो भी कॉमेंट आएगा कि हाँ सर मुझे इस यूनिवर्सिटी का इस कोर्स का कटा बता दो, मैं उसका लास्ट ईयर ऑफिशियल कटा पता करूंगा और उसी बेसिस पे इस साल का कटा एनालिसिस करके आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे और इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधे आते हैं हम लोग डिस्कशन पे। ठीक है, 2024 बीएचयू के लिए है ये। बीएचयू में बीएड चलता है, सबको पता होना चाहिए कि इसका एक अलग ही पूरा फैकल्टी बनाया गया है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, जो कि हमारा बीएचयू से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पे है और बड़ा ही स्पेशल बिल्डिंग बनाया गया है। सीटें बड़ी लिमिटेड होती हैं, लेकिन पढ़ाई अच्छी होती है, इसीलिए बच्चों की बहुत ज्यादा चॉइसेस होती है कि उनका बीएचयू में बीएड के लिए हो जाए। बाकी जो लोग भी बीएचयू बीएड डालते हैं, वो अपनी स्टेट के बीएड जरूर डालते हैं, जैसे यूपी बीएड भी डालते ही है। तो जरूरी नहीं है कि आपको बीएचयू मिले ही। मेरे यहाँ जब बीएड का कोर्स चलता है, तो जब बच्चे एडमिशन लेने आते हैं, मैं उनको कहता हूँ सिलेबस तो पढ़ा दूंगा, लेकिन प्लीज ध्यान देना, जब से आप अपना 100% एफर्ट नहीं लगाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीटें बहुत कम है। आपकी पढ़ाई में कमी नहीं है, सीटें कम है। अब इतनी कम सीटों में एडमिशन ले पाना कहीं ना कहीं अपना हिट एंड ट्रायल मेथड लग भाई चांस भी चलता है। तो फाइनली आप लोग बहुत ही विद्वान है, ऑलरेडी बहुत बड़े हैं, ज्यादा बोलना उचित नहीं है, सीधे आते हैं मुद्दे पे। ह्यूमैनिटीज मैथ्स और लैंग्वेज, मैं लास्ट ईयर का ऑफिशियल कट ऑफ यहाँ नहीं नोट किया हूँ, स्पेस कम था, उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, लास्ट ईयर मैंने बनाया था, उसी रेफरेंस पे मैं इस बार का निकाला हुआ हूँ। ध्यान देना कि ये 300 के बेसिस पे है। कितने नंबर पे है ये? 300 बेसिस पे है। आपका जो पेपर है ना, वो बदल चुका है। पहले आपके यहाँ डोमेन भी आते थे और उसके बाद आपके पास एप्टीट्यूड सेक्शन भी हुआ करता था, लेकिन अब इस बार ओनली डोमेन से क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ह्यूमैनिटीज में आप 200 अगर प्लस हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने एडमिशन की पॉसिबिलिटी सोच सकते हो। ठीक है, EWS में आते हैं 195, OBC अगर आते हैं, ठीक है, यहाँ पे OBC रहेगा, OBC में अगर आते हैं तो 190, और SC रहेगा तो 165। ST में ऑल कैटेगरी कॉलिंग आएगा, क्योंकि ST के बच्चे बहुत कम फॉर्म डालते हैं, जैसे आपकी सीट कम है तो बच्चे फॉर्म भी बहुत कम ही डालते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज। ST ऑल कॉलिंग भी जा सकते हैं, बाकी आप अंदाजा लगा लो, इसी से 20 नंबर कम कर लेना और क्या। मैथ्स में थोड़ा सा भाई देखो, पेपर भी हार्ड आता है, बच्चे भी बड़े ही नॉलेजेबल जो होते हैं वही इसमें जाते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल बढ़िया होता है, तो मैंने इसलिए इसका हाई लिखा हुआ है। बट अब आप लोग थोड़ा सा देखना कि क्या पेपर इस बार इजी आया था, अगर आसान होगा तो ये कट ऑफ डाउन भी हो जाएगा, बाकी जैसा पेपर पे डिपेंड करता है। तो 210 फॉर जनरल, 200 फॉर OBC, 190 फॉर EWS, 190 या 195 कर लेना, ठीक है, और 170 आपका SC, बाकी ऑल फॉर ST, यानी 150 मान सकते हो। लैंग्वेज में 190 प्लस, ठीक है, लैंग्वेज में थोड़ा सा कट ऑफ एज कंपेयर टू ह्यूमैनिटीज एंड मैथ्स में डाउन जाते हैं, 190, 180, 185, 150 और ये मान लो 130, 140, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अगर आपके मार्क्स आए हुए हैं, तो आप अपने एडमिशन की पॉसिबिलिटी सोच सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट ईयर के कट ऑफ के रेफरेंस बेसिस पे बनाया गया है। अब इससे बहुत अप डाउन नहीं होगा, 10 नंबर जोड़ लो, 10 नंबर घटा लो, कुछ इसी तरीके से एडमिशन पॉसिबिलिटीज बनेगी। बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर 30-40 का हो जाता है, तो ना मान के चलना, बाकी भी आप कहीं फोकस करो, ठीक है, मुस्कुराना बिल्कुल ना बोले, इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे। जूनियर कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहे हैं फॉर UG, आपके घर में कोई है तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है, ओनली 999 में हमारे यहाँ कोर्स रन कर रहा है, टेस्ट फ्री है। तो मुस्कुराते रहे, बहुत सी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, अभी काउंसलिंग में आपकी पूरी मदद BHU पाठशाला की जाएगी। हर हर महादेव।